छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक गणेश उत्सव एवं जनसेवा समिति व हर हर गंगे समिति के संयुक्त तत्वावधान में गणेश उत्सव पर्व सेक्टर 10 सेंट्रल एवेन्यू मनाया जा रहा है। प्रतिदिन बप्पा का आशीर्वाद लेने श्रद्धालु हजारों की संख्या में यहां पहुंच रहे हैं। यहां बना वृहद फिश टनल भिलाई के सहित छत्तीसगढ़ से पहुँच रहे श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश का पर्व गणेश उत्सव देश प्रदेश सहित जिले में भी हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। स्थापित भगवान की प्रतिमा की पूजा अर्चना श्रद्धालुओं के द्वारा जहां की जा रही है, वहीं शहर में बनी झांकियां भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गौरतलब है कि सेक्टर 10 सेंट्रल एवेन्यू में विराजित किए गए भगवान गणेश की पूजा अर्चना प्रतिदिन समिति द्वारा और श्रद्धालुओं के द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही यहाँ पर निर्मित फिश टनल एक्वेरियम शहर सहित छत्तीसगढ़ वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। रंग बिरंगी खूबसूरत मछलियों से सजा ये फिश टनल जिले वासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु जहां पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, उसके बाद सहसा ही इस ओर आकृष्ट होकर फिश टनल को देखने के लिए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने यहां पर भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया, उन्होंने प्रतिक्रिया दी, साथ ही फिश टनल का इस तरह के निर्माण की सराहना की। आज हमारी समिति के द्वारा भगवान गणेश का जो विधि विधान से पूजा किया गया, हमारे प्रांगण में लगे फिश टनल, जिसमें लोगों में काफ़ी उत्साह है, बहुत संख्या में लोग उसको देखने आ रहे हैं और एक अच्छा माहौल है। बस हम यही कामना करते हैं कि भगवान हमारा भारत देश जो है उसमें शांति का माहौल रहे। हम लोग भारत देश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले में भिलाई के अंतर्गत हमारा क्षेत्र आता है, तो यहाँ की जो श्रद्धालु है, जो जनता है, भगवान उनको आशीर्वाद अपना प्रदान करे और ये क्षेत्र में शांति का वातावरण रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। यहाँ का आयोजन बहुत अच्छा हुआ है और हमारे भाई साहब हैं सबसे बड़े, हमारे बड़े भैया देव कुमार साहू जी और रामदेव भाई जी, पंकज भैया जी, इनके आयोजन को मैं देखते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है और मैं आज पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो मेरे परिवार भी बहुत खुश है और मैं पहली बार इस तरीके का नेतृत्व और इस तरीके का कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ। बहुत सुचारू रूप से और बहुत ही शालीनतापूर्ण यह कार्यक्रम और यह गणपति जी का जो प्रतिमा रखा गया है उसमें इतनी शालीनता और इतनी उत्साह लोगों के बीच में मैं देख रहा हूँ। क्या तो कामना करते हैं बप्पा से? बप्पा से तो मैं यही कामना करता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के सारे जनता को सुख समृद्धि प्रदान करें और हम उनके साथ साथ हम लोग को भी और हमारे जो भी मीडिया, हमारे जो कार्यक्रम के जो हैं कार्यकर्ता हैं भैया, उन लोगों को कम से कम है ना उनको मतलब सभी तरीके से उनको अपने आशीर्वाद प्रदान करें, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। जय श्री गणेश। छत्तीसगढ़ सिद्धि विनायक गणेश समिति एवं जनसेवा समिति के द्वारा स्थापित आज गणपति भगवान का आज पंचम दिवस है और पंचम दिवस से भगवान सदानंद भगवान विघ्न विनाशक के रूप में पूजन अर्चन की जाती है और बहुत धूमधाम से यह पर्व सिद्धि विनायक गणेश समिति हर हर गंगे उत्सव समिति के द्वारा स्थापित है, धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अभी इस बार बप्पा का कौन सा स्वरूप है? बप्पा का इस बार संकट मोचन, संकट को हरण करने वाले अभय वरदान, सुना था मैं। अभय वरदान के रूप में वो संकट को नाश करेंगे और अभय वरदान मृत्युंजय का वरदान देंगे। जी बताएं। आज हमारे छत्तीसगढ़ के जम्मू प्रदेशवासी मल्ला गणेश पूजा के पांचवा दिन के गाढ़ा गाढ़ा बधाई हो और आज ये गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में आज हमार पहुना के रूप में हमार अहिवारा विधानसभा के विधायक के सुपुत्र और पूरा परिवार हमार भाई धनंजय कुरसेवाड़े जी उपस्थित हुए हैं, पूरा परिवार जो है फिश टर्मिनल देखे है और वो बाद यहाँ जो झूला लगे और आयोजक समिति मन के जो व्यवस्था ला देखे तेकर से पूरा परिवार और वो पूरा खुशी महसूस करे है, बहुत खुशी जाहिर करे है और आने वाला समय निरंतर वो इतना खुश हो है कि निरंतर हमारा सहयोग साथ दे पर उपेक्षित हो है। एक और यही उपलक्ष्य में हम आज समिति के द्वारा खिचड़ी वितरण के कार्यक्रम रखेंगे हैं, जिनमें सबो श्रद्धालु मना प्रसाद ग्रहण करे है और हम गणपति पप्पा से हम आशा करथन, प्रार्थना करथन, निवेदन करथन कि हमार समिति के ऊपर आशीर्वाद निरंतर बनाए रखें। ये था कि हमारे जो फिश टनल से जो
दर्शनार्थी हैं बाहर निकलते हैं उनको थोड़ा सा क्राउड हो जाता था गणेश भगवान को दर्शन करने के लिए, तो हमने एक रास्ता निकाला है कि इस तरह वाला डायरेक्ट मंदिर पे आके दर्शन करके निकल जाते हैं। आज बुधवार का दिन है, गणेश जी का भगवान का दिन है, तो आज हमारी समिति द्वारा भोग खिचड़ी का भोग सभी दर्शनार्थियों को बांटा गया। मनोरंजन के लिए पहुंचे यहां पर श्रद्धालु फिश चैनल को देखते हुए काफी उत्साहित नजर आए। सभी के कुछ इस तरह के अंदाज फिश चैनल को लेकर थे, आप भी सुनिए। फिश चैनल छत्तीसगढ़ शायद और मैं पहला चांस है, ये पहले रायपुर में था उसके बाद अभी यहां है, कैसा लग रहा है आपको? मछलियों की वैरायटियां कैसी लगी? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। 100 rupees इसमें फीसेस हैं, तो क्या लगा पैसा वसूल है? कैसा लगा सर? बहुत अच्छा लगा। भिलाई के लिए कैसी पहल है? बहुत अच्छी पहल है और मैं तो बोलता आने वाले समय पे इसको और बढ़ाना चाहिए। काफी तो वो टनल ऐसा भिलाई के लिए कैसी पहल है? पहली बार देख रहा हूँ। अच्छा लगा? कैसा लगा ये जो फिश टनल है भिलाई शहर में सेक्टर 10 में, क्या लगा? बहुत अच्छा लगा मैम। मछलियों की वैरायटियां कैसी लगी? बहुत बेहतरीन बेहतरीन, पहली बार देखने को मिल रहा है। कैसा लगा फिश टनल? बहुत शानदार। अच्छा लगा? कलेक्शन बहुत। मछलियों की वैरायटी कैसी लगी? मछलियों की वैरायटी कुछ तो उस फर्स्ट रो में जो है वो कमल वैरायटी है जो सारी जगह मिलती है, सेकेंड रो में भी है अच्छा लेकिन कुछ हट के रहना चाहिए थोड़ा से बाहर और ज्यादा। भिलाई शहर में शायद ये पहली बार है? भिलाई शहर में फर्स्ट टाइम है। क्या चाहेंगे आने वाले समय में और आए इससे और अच्छी आए? सुना है कि नवरात्रि में जल परी आने वाली है, तो अच्छी है लेकिन मछलियों की वैरायटी थोड़ी सी टॉप क्वालिटी होनी चाहिए। इस फिश टनल के संचालक ने भी कहा कि आगामी दिनों में और भी मछलियां यहां पर लाई जाएगी जो शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र होगी। साथ ही उन्होंने शहरवासियों को ज्यादा से ज्यादा पहुँचने के लिए आमंत्रित भी किया। गणेश चतुर्थी का आज 5वां दिन और पूजा अर्चना के बाद फिश टनल शो में घूमने के बाद मैंने एक चीज़ देखी है कि भिलाई शहर की जनता का बहुत पसंद आ रहा है। फिश टनल शो बार बार लोग देख रहे हैं और जनता का प्रतिसाद मिल रहा है और भिलाई शहर की जनता को मैं आश्वासन दे रहा हूँ, 2 दिन के अंदर कलकत्ता से बहुत सारी मछलियाँ नई नई आने वाली हैं। शुक्रवार के दिन हमारे पास पूरा फिश टनल शो में मछलियों का भरपूर व्यवस्था रहेगी। कृपया अपने परिवार के साथ एक बार अवश्य बता रहे हैं। धन्यवाद। विघ्नहर्ता भगवान गणेश के पर्व की धूम पूरे शहर भर में नजर आ रही है। सेक्टर 10 में भी राजे भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने हजारों श्रद्धालु जहां पहुंच रहे हैं, वहीं इस फिश टनल में पहुंचकर काफी आनंदित भी हो रहे हैं। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।